वीडियो काफी अमेजिंग है, डिफरेंट है, क्योंकि इसका टॉपिक है, इसका टाइटल है वीडियो का, डिनर इन द स्काई इन बेंगलुरु एंड फ्लाई डाइनिंग। तो लगा ना अमेजिंग भाई, ऐसा लग रहा है कि कोई फ्लाई करके तुम डाइनिंग में कर रहे हो और तुम उड़ रहे हो शायद। तो ये बेंगलुरु में है और हमें इसके बारे में कुछ नहीं पता, तो हम ये वीडियो देख के फिर आपसे बात करेंगे और बताएंगे कि भैया ये एक्सपीरियंस जो है कैसा है। तो चलो फ्रेंड्स, अगर आपने आपको भी नहीं पता तो हमारे साथ चलो और इंजॉय करो, और अगर आपने ये वीडियो देखी हुई है तो हमारे रिएक्शन को इंजॉय करो। तो चलो देखते हैं ये वीडियो। ओ रिक्लाइनिंग, पूरा बेड की तरह लेट गए। अरे 160 फीट ऊपर जाता है। फ्लाई डाइनिंग इज अ वन ऑफ इट्स काइंड एक्सपीरियंस, आई एम श्योर यू विल ऑल एग्री, एंड इट्स लॉन्चिंग फॉर द वेरी फर्स्ट टाइम इन इंडिया इन अ वेरी ओन बैंगलोर। वाओ, आई लव फ्लाइंग फ्लाई डाइनिंग। सीट्स कितनी अच्छी है, ऐसे लग रहा है जैसे रोलर कोस्टर में जा रहे हैं। हाँ, रेस का, जैसे कार्स की होती है ना, रेस कार्स की। या ओए ओए, बेल्ट गुज बना रहे हैं, अच्छा सेफ्टी के लिए। हाय, कितना अच्छे पैर रखने के लिए वो ग्रास की तरह ही बनाया हुआ है, मैट लगाया हुआ है घास वाला। And even if you're scared, I guess you could look down. क्रेन से ऊपर गए हैं, वो क्रेन से ऊपर लिफ्ट हो रहा है। Yeah. और रूफ भी शीशे की, ताकि अगर बारिश बुरिश भी हो जाए तो तुम फिर भी बैठ के खाना खा सकते हो। सनसेट में कितना सुंदर लग रहा होगा ना। टेबल स्लोली रोटेट 360 डिग्रीज फॉर अ कंपनी, तो गोल गोल घूम के तुम्हें सारी जगह दिखेगी, धीरे धीरे घूमेगा। ओह माय गॉड, सुंदर है। फोटो भी ले लिया अपनी, सब लोग तो फोटो ही लेते रह जाएंगे यहाँ पे कि भाई हम इसमें बैठे थे। कितना सुंदर लग रहा है। ओए होए, प्रपोज कर रहे हैं, परफेक्ट फॉर प्रपोजल्स। वो भी ये कह रहे हैं कि तुम वो नो नहीं बोल पाएगी। दो डाइनिंग ऑप्शन है, एक हाफ आवर 30 मिनट्स का जिसका 4,000 रुपया है, और एक और है ना, दो डाइनिंग है। तो एक हाफ आवर 30 मिनट्स का आप बैठ के खा सकते हो, और दूसरा बताएंगे शायद अभी, और एक एक घंटे का जो 7,000 रुपीज। खाना भी कितना बढ़िया है। अच्छा, प्रेग्नेंट वुमेन और किड्स 13 इयर्स से बिलो अलाउड नहीं है, और मिनिमम हाइट भी चाहिए और मिनिमम वेट भी होना चाहिए। बैग्स लेके नहीं जा सकते, फोन्स भी अलाउड नहीं है। उनके पास तो फोन्स थे? No, it's just phones are allowed. अच्छा, फोन्स आर अलाउड। ओह, और नीचे सेफ्टी एरिया की, अगर कुछ गिर जाए तो वो नीचे नहीं गिरेगा, उसमें गिरेगा, तो नेट लगा रहा है। हाँ, और एक मिनट के अंदर तुम नीचे जा सकते हो। कह रहे हैं हैंग आउट क्वाइट लिटरली एट फ्लाई डाइनिंग, हैंग आउट ही कर रहे हो तो लटके हुए हो, उदास हो रही हो कि उतरना पड़ेगा। है कितना सुंदर है, टेबल का एरिया कितना सुंदर था, पूरा बार टाइप। तो फ्रेंड्स, ये तो वीडियो बहुत ही अमेजिंग था, बड़ा बहुत ही मजा आया। ये कॉन्सेप्ट ही इतना अलग है, अमेजिंग है कि क्या बोल सकते हैं। तो मुझे वैसे तो मुझे ऊपर हाइट से डर लगता है, तो मैं तो एक सीढ़ी भी दो चढ़ के नीचे नहीं देख पाती हूँ, तो मेरा तो ये हाल है। पर इसको देख के पहले मुझे लगा यार मैं नहीं ये कर सकती, मैं तो कोई मेरे लिए तो ये है ही नहीं। पर जब उन्होंने इतना सुंदर सीन्स दिखाए ऊपर से, तो मुझे भी अब लालच आ रहा है कि हाँ ये मुझे भी ट्राई करना है। हाँ, चाहे मुझे लग रहा है कि मैं, मुझे डर भी लगेगा, पर ये है कि उन्होंने ये दिखा
दिखाया कि आपको पूरी, जैसे आप रोलर कोस्टर में जाते हो राइड्स में, तो वैसे पूरी बेल्ट बुल्ट अच्छी तरह पहनाई है, और उन्होंने कहा है कि खुद नहीं पहनोगे, वो आके आपकी पहना के डबल चेक करेंगे कि सब सेफ है कि नहीं. No, they'll do it for you. हाँ, वो ही तुम्हारे लिए करेंगे और सेफ करेंगे कि देखेंगे कि सब है, तो उससे भी थोड़ा प्रिकॉशन ज्यादा हो जाता है. और उन्होंने ये भी कहा है कि नीचे नेट भी है, तो अगर कोई आपकी चीज गिर गई, सम कोई सेफ्टी चीज है, मतलब डेरा की तरह कुछ नहीं. मैं कह रही हूँ कुछ नीचे है जिसमें अगर कोई चीज गिर जाए तो वो नीचे जमीन पे नहीं गिरेगी, वहां पे कहीं पे कलेक्ट हो जाएगी. तो इसलिए वो डर नहीं है कि भाई आपके कोई चीज गिर गई तो नीचे गिर के टूट जाएगी या किसी को लग जाएगी चोट. तो सेफ्टी प्रिकॉशन सारे इन्होंने किए हैं जो कि काफी बढ़िया है. और खाना अमेजिंग. और मुझे पता है बेस्ट क्या लगा कि डाइनिंग टेबल जो है चारों तरफ किया हुआ है और उसके बीच में ये वेटर्स बैठे हुए हैं, खड़े हैं. Because if it was open, हाँ, nobody did fall. तो चारों तरफ ये वेटर्स net will protect them. तो सारे वेटर्स अंदर बैठे हुए हैं और वो वहीं पे आपको बना के दे रहे हैं आपकी ड्रिंक्स, आपका खाना. तो बहुत ही अच्छा था, माइंड ब्लोइंग एक्सपीरियंस. और व्यू तो भाई बहुत ही सुंदर. एक साइड आपको दिख रहा है कि पानी है और वो बोट में जा रहे हैं, एक साइड पूरी हरियाली आपको नीचे दिख रही है और एक साइड पूरी सिटी का इलाका दिख रहा है. और कह रहे हैं वो पूरा 360 डिग्री रोटेट भी होगा, तो आपको हर सारी तरफ का व्यू भी आपको आएगा. वो धीरे धीरे ऐसे रोटेट करेगा कि आपको पता भी नहीं चलेगा आप एक्चुअली रोटेट हो रहे हो, इतना स्लोली करेगा, पर आपको सब दिखेगा धीरे धीरे. हो सकता है वन राउंड हो या दो राउंड हो, हमें नहीं पता, या कुछ भी, पर बहुत ही अलग सा एक्सपीरियंस है. बहुत ही बढ़िया था. मतलब मजे की बात यह है कि पहले हो सकता है किसी को डर लगे कि, मगर एक बार जाएंगे हो सकता है कि ठीक लगे, क्योंकि धीरे धीरे ही ऊपर लेके जा रहे हैं. मतलब ये ऐसी राइड तो है नहीं, आप बैठ रहे हैं बहुत अच्छी तरीके से, आपको स्ट्रैप्स लगा रहे हैं तो आपको पता है आप कंफर्टेबल हैं, साथ में और लोग भी हैं और टेबल है, उसके बाद धीरे धीरे लेके जाएंगे तो पता नहीं चलेगा, फिर देखेंगे बढ़िया. और इंसान जो है इतने हाइट में देखता है तो उसे बाहर बहुत अच्छा लगता है, खाने का भी अरेंजमेंट है, तो मेरे ख्याल से काफी अच्छा आइडिया है. और मेरे ख्याल से और सिटीज में भी आना चाहिए. हाँ, दिल्ली में होना चाहिए नेक्स्ट. जैसे और सिटीज में भी लोग आराम से इंजॉय कर सकें. मगर काफी इनोवेटिव तरीका था और उसके बेनिफिट कई नजर आ रहे हैं कि जिन लोगों को मतलब इस टाइप की चीजें पसंद आती हैं, कोई बंजी जंपिंग जाता है, कोई माउंटेन क्लाइंबिंग करता है, उसके लिए उसको तो मजा आएगा कि हाँ भैया बिल्कुल. जिनको थ्रिल चाहिए, एडवेंचर चाहिए, उनको चाहिए वो तो खाने में भी एडवेंचर आ गया. बिल्कुल, आराम से जाओ ऊपर, खाना खाओ, 30 मिनट्स, 1 आवर बैठ के वापस आओ. और अभी तो शुरुआत है मेरे ख्याल से, बाद में अरेंजमेंट्स भी अच्छे मतलब काफी करेंगे. हो सकता है बाद में एलिवेटर भी कर दें कि मतलब कोई आराम से निकल के नीचे चले जाए, ऊपर आ जाए, व्यू बना दें. Because जैसे और डेवलपमेंट कर रहे हैं, अभी तो स्टार्टिंग किया कि क्रेन से उठा के लेके जा रहे हैं, तो अगर ये और कॉन्सेप्ट बहुत पॉपुलर हो गया तो ऑब्वियसली उसको और डेवलप करेंगे और मॉडर्नाइज करेंगे. और इसमें इन्होंने ये भी तो बताया था कि आपको अगर नीचे किसी वजह से जाना पड़े तो 1 मिनट लगेगा नीचे जाने में, और अगर रेस्टरूम भी जाना है तो वो आपको नीचे लेके जाएंगे. अगर आपको ये नहीं है कि 30 मिनट्स ऊपर ही हो या 1 आवर ऊपर ही हो, अगर किसी को भी रेस्टरूम जाना है तो वो नीचे भी आएगा, फिर लेके ऊपर भी जाएगा, तो वो 30 मिनट्स आपको वो ऊपर नीचे का भी एक्सपीरियंस हो सकता है. तो वो भी और बहुत ही बढ़िया है, तो कमाल का है. ऋषि करना है ये? Yes. करना है? Yes. Okay, तो ऋषि को तो ये करना है. तो अब ये डाउट है कि भाई ये दिल्ली में आएगा कि नहीं, तो अगर तो दिल्ली में आ गया तो कमाल हो गया, अगर दिल्ली में नहीं आया तो इसके लिए स्पेशली हमें बेंगलुरु जाना पड़ेगा. कितना फार होगा दिल्ली से? काफी दूर है, मगर एयरप्लेन में 3-4 घंटे ज्यादा नहीं लगेंगे. पर ये होगा कि पहले तो आप खास इतने पैसे खर्च करके वहां आ जाओ, फिर इसके खाने के लिए भी चीप नहीं है, तो हाँ, तो उसके भी खर्च होंगे. पर होपफुली हो सकता है अगर ट्रिप बन गया बेंगलुरु का कि वहां पे बैंगलोर भी देखने का बना, तो फिर ये तो ट्राई करना बनता है. वंस इन अ लाइफ टाइम एक्सपीरियंस जैसे होता है ना, वो भी ये भी वैसी वही चीज है कि आप वंस इन अ लाइफ टाइम एक्सपीरियंस के लिए जाओ. तो अगर फ्रेंड्स आप बेंगलुरु में हो तो आपकी तो किस्मत खुल गई, आप तो जाके कभी भी उसको ट्राई कर सकते हो. वही नहीं, अगर आप इंडिया में भी हो तो भी आप जा सकते हो क्योंकि पास हो, हम लोगों के लिए थोड़ा मुश्किल है. पर एक चीज इसमें खास है, अगर तो आप यंग बॉय हो या लड़के हो तो बेस्ट प्लेस है अपनी होने वाली को प्रपोज करना, क्योंकि मुझे नहीं लगता कोई लड़की अगर आप ऐसी जगह पे बैठ के उसको प्रपोज करोगे वो ना बोल ही नहीं सकती.
तो बहुत ही मजेदार एरिया है प्रपोज करने के लिए, आइडल स्पॉट मेरे हिसाब से। तो मेरी आपके सबसे सजेशन यही है, अगर आप अभी शादी करने की सोच रहे हो तो इस टेक्निक को यूज करो, इट्स अ गारंटी। या गारंटी होगा कि नानी बोलेगी। तो चलो फ्रेंड्स, मजाक कर लिया, अब हम चलते हैं और मिलेंगे एक और वीडियो में जल्दी। टिल देन टेक केयर एंड बाय बाय। तो अगर आप मेरे इस चैनल पे नए हो तो जल्दी से सब्सक्राइब के बटन को हिट करो और बेल आइकन को क्लिक करो, ताकि आपको मेरा जब नया वीडियो मैं लगाऊं आपको उसके बारे में जल्दी से पता चल जाए।